हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एम्बाल्मिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वाइवा में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेस फॉर्म करता है कैडावर्स का। जो आप स्टडी करते हो कैडावर्स पे, उसके लिए ये प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एम्बाल्मिंग। ठीक है, अभी एम्बाल्मिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडी सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डीके। उसको डीके करने से बचाना है अपने को, डेड बॉडी को। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है वो देखते हैं। सो इट इज परफॉर्म इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग इज परफॉर्म इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है ना, इट इज यूजली इंजेक्टेड विथ अ एम्बाल्मिंग मशीन। मशीन यूज करते हैं, एम्बाल्मिंग मशीन, उससे एम्बाल्मिंग फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं इनटू आर्टरी अंडर हाई प्रेशर एंड फ्लो एंड अलाउड टू सैचुरेटेड टिश्यू। ठीक है, एम्बाल्मिंग मशीन यूज करते हैं, आर्टरी में हाई प्रेशर से डालते हैं, फिर सैचुरेट होता है टिश्यू, तब तक रुकते हैं। ठीक है, और जो वेनस सिस्टम होता है ना, इट इज जनरली ओपन एंड द फ्लूइड इज अलाउड टू ड्रेन आउट इनिशियली। ऑल्दो बहुत से जो एम्बाल्मर्स होते हैं ना, वो ड्रेनेज टेक्निक यूज नहीं करते। ठीक है, बस याद रखना ये पॉइंट, मेनली तो यही है। एक मशीन होगी, उससे फ्लूइड इंजेक्ट किया जाएगा इनटू एन आर्टरी अंडर द हाई प्रेशर, एंड जब तक टिश्यू सैचुरेट नहीं होता तब तक वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड दिया जाता है। देन जो एनाटॉमिकल एम्बाल्मर्स होते हैं ना, जो लोग ये प्रोसीजर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी फीड एम्बाल्मिंग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो कंटेनर होता है ना, जो फ्लूइड डालता है, इट इज एलिवेटेड अबव द बॉडीज लेवल। ये बॉडी की लेवल है तो उसके ऊपर के लेवल से वो फ्लूइड दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? स्लोली ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 24 आवर्स। ये पॉइंट बस याद रखना। देन कोई सेपरेट कैविटी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज गिवन, नहीं दी जाती। ठीक है, कैविटी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। सो उसके बाद अभी जो कैडेवर्स दिखते अपने को, जो कि एम्बाल्म कैडेवर्स है, उनका कलर कैसा होता है? यूनिफॉर्म ग्रे कलरेशन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और इसी को फॉर्मेल्डिहाइड ग्रे बोलते हैं या फिर एम्बाल्मस ग्रे बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं एम्स ऑफ एम्बाल्मिंग फॉर द एनाटॉमिकल पर्पजेस। ठीक है, सबसे पहला द थरो एंड कंप्लीट प्रिजर्वेशन, ये सबसे पहला एम है अपना। ठीक है, सेकेंड इज जो टिश्यू की सॉफ्टनेस है ना, वो चाहिए अपने को, जैसे कि अन एम्बाल सब्जेक्ट्स में होती है वैसे लेवल की मेंटेन करनी है अपने को, वो ट्राई करते हैं हम लोग, ये अपना एक एम है। ठीक है, थर्ड वन, जो कलर ऑफ मसल्स एंड ऑर्गन्स है ना, वो कलर एटलीस्ट डार्क ब्राउन कलर सिक्योर करेंगे मसल्स का, वो एक अपना एम है। फिर डिस्टेंशन एंड कलरिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज को कलर करना एंड डिस्टेन करना, ये एक चौथा एम है, समझा? सो ये चारों अपने एम्स थे, वो याद कर देना। हम क्यों करते हैं ये प्रोसीजर, ये आपको वाइवा में पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको ये चार चीज़ें बतानी है क्यों करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, टाइप्स ऑफ एम्बाल्मिंग प्रोसीजर, सबसे पहला आर्टेरियल एम्बाल्मिंग, सेकंड कैविटी एम्बाल्मिंग, थर्ड हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग एंड फोर्थ इज सरफेस एम्बाल्मिंग। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो अपने को पता होने चाहिए। सबसे मेन इज आर्टेरियल एम्बाल्मिंग, जो कि कॉमन है। ठीक है, ये तो बस एक एड ऑन है उन सब पे। सो देखते हैं एक एक करके अपना प्रोसीजर्स। सो देखते हैं सबसे पहला टाइप, दैट इज आर्टेरियल एम्बाल्मिंग, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। सो इसमें क्या होता है ना, इंजेक्शन की हेल्प से जो एम्बाल्मिंग केमिकल्स है वो ब्लड वेसल में डालते हैं, मेनली कहाँ से? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, कहाँ से इंजेक्ट करते हैं एम्बाल्मिंग फ्लूइड? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अभी ये जो फ्लूइड होता है ना, एम्बाल्मिंग फ्लूइड, ये क्या करता है, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अभी
जो एक्सेस आर्टेरियल सोल्यूशन होता है एंड ब्लड क्लॉट्स होते हैं, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द राइट जुगलर वेन। कहाँ से? राइट जुगलर वेन से इन दोनों को एक्सपेल किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ड्रेनेज। अगर पूछे ड्रेनेज क्या होता है तो बता देना ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर जो एम्बाल्मर होता है ना, जो प्रोसेस करता है ये सभी, वो क्या करता है? मसाज करता है बॉडी की टू ब्रेक अप द सर्कुलेटरी क्लॉट्स। उससे क्या होगा? जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल पॉइंट इंजेक्शन, ठीक है। सो यही था अबाउट आर्टेरियल एम्बाल्मिंग जो आपने को पता होना चाहिए। ये मेन प्रोसीजर है, और बाकी जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा अदर टाइप्स, वो एक एड ऑन टाइप है इस प्रोसेस में, ठीक है। अभी देखते हैं कैविटी एम्बाल्मिंग। इसमें क्या होता है? जो पर्सन है एम्बाल्मर, वो क्या करता है? एक स्मॉल इंसिजन लेता है जस्ट अबव द नेवल एंड पुशेस द ट्रोकार इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। इंसिजन लिया नेवल के अबव, ट्रोकार को एब्डोमिनल कैविटी में डाल देगा। फिर जो पर्सन है ना एम्बाल्मर, वो क्या करेगा? कैविटी को फिल कर देगा विद द केमिकल्स दैट कंटेन फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एम्बाल्मिंग केमिकल्स ही डाल देगा। एंड वही सेम केमिकल्स चेस्ट कैविटी में भी डालेंगे वाया ट्रोकार इंसर्टेड इनटू द डायफ्राम। डायफ्राम के थ्रू जो ट्रोकार इंसर्ट होगा उसमें से वो चेस्ट कैविटी में जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंसिजन होता है ना, इट इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ अ सूचर, ये याद रखना। बस यही था अबाउट कैविटी एम्बाल्मिंग। अभी देखते हैं आगे। सो दोस्तों देखते हैं अभी हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। ये कुछ नहीं, बस एक एडिटिव प्रोसेस है ऑन द आर्टेरियल एम्बाल्मिंग। सबसे मेन तो आर्टेरियल एम्बाल्मिंग ही है, ये तो बस एक एडिटिव है उस पर। अब इसमें क्या करते हैं? जो एम्बाल्मिंग इन केमिकल्स होते हैं ना, वो टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं हम लोग विद द हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज, ठीक है। इट इज जनरली यूज ऑन ऑन नीड बेसिस, जब जरूरत होगी तभी करेंगे। क्यों करेंगे? टू ट्रीट द एरियाज वेयर आर्टेरियल फ्लूइड हैज नॉट बीन सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ पे आर्टेरियल फ्लूइड जो है ना, एम्बाल्मिंग फ्लूइड, वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, तब वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो यही था अबाउट हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। अभी देखते हैं सरफेस एम्बाल्मिंग। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ एम्बाल्मिंग केमिकल्स, जिससे क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे एंड रिस्टोर करेंगे एरियाज डायरेक्टली ऑन द स्किन सरफेस, और जो सुपरफिशियल एरियाज है वो, या फिर जो एरिया डैमेज हो गए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, डिकम्पोजिशन, कैंसरस ग्रोथ्स एंड स्किन डोनेशन, ठीक है। बहुत ईजी है ये सरफेस एम्बाल्मिंग। कुछ नहीं, केमिकल यूज करेंगे एम्बाल्मिंग केमिकल्स, जिससे स्किन की सरफेस प्रिजर्व करेंगे, सुपरफिशियल एरियाज प्रिजर्व करेंगे, एंड जो एरियाज ऑफ डैमेज है एक्सीडेंट, डिकम्पोजिशन, कैंसरस ग्रोथ या स्किन डोनेशन की वजह से, वहां पे एम्बाल्मिंग करेंगे, वो प्रिजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये था पूरा अबाउट एम्बाल्मिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा तो नहीं जा सकता यूनिवर्सिटी में, बट आपको ये वाइवा में ज़रूर पूछा जा सकता है। सो आपको बस पता होना चाहिए कि वॉट इज एम्बाल्मिंग एंड उसके साथ क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।